Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in previous video we discussed about question number first, and today we will discuss question number second of exercise 2.2, chapter second polynomial of grade 10th. So in second question we will find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zero. So हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की. देन वी हैव टू फाइंड नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी. सो वो शॉर्ट ट्रिक के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज coefficient of x and plus product of zeros. So is equals to zero. So ये formula हम use करेंगे quadratic equation को find out करने के लिए. So here 1/4 and minus 1, two zeros are given. So this is sum of zeros. And this is product of zeros. So, just value put करनी है आपको. X square minus sum of zeros, that means 1/4. Then x plus product of zeros, that is minus 1, is equals to 0. Then क्या लेंगे हम LCM. एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डिनोमिनेटर्स की डिवाइड, एंड देन जो आंसर आएगा वो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई. सो यहाँ डिवाइड करेंगे 4 के 1 से, देन 4, देन अगेन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई. डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स की 1, दैट मीन्स 1 × x, दैट इज x. सिमिलरली डिवाइड करेंगे, देन प्लस माइनस, दैट इज माइनस, इज इक्वल्स टू 0. नाउ 4x² माइनस एक्स माइनस 4, डिनोमिनेटर में आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, दैट इज 4 × 0, दैट मीन्स 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इट्स जस्ट अ सिंपल ट्रिक, वी जस्ट यूज हेयर फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली सेकेंड पार्ट, रूट 2 1/3. So this is sum of zeros and this is product of zeros. Now put the values in formula. x² minus sum of zeros, sum of zero is root 2, x plus product of zeros, that is 1/3, is equals to 0. Same step, LCM, and then solve. 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड देन हम 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो 0. सो द आंसर विल बी 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली थर्ड, 0√5, अगेन सम ऑफ जीरोज product of zeros, that means x² minus sum of zeros, that means 0 × x plus product of zeros, that is 5, is equals to 0, that means x² plus root 5 is equals to 0. This is also a quadratic equation because here power of variable is 2, that's why this is a quadratic equation. Next, fourth, 1 and 1, x² minus 1 × x plus 1 is equals to 0, that means x² minus x plus 1 is equals to 0. Similarly, next, last second part of this question, minus 1/4, here sum of 0 is minus 1/4x plus product of zeros is also 1/4, but in positive sign. So here we take LCM, that means 4x² minus x, 1 × x is x, and plus 1 is equals to 0, 0 × 4,
दैट इज ऑल्सो जीरो. सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² - x + 1. एंड द लास्ट वन इज 4 and 1. सो हियर सम ऑफ जीरोज इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1. सो पुट इन द फॉर्मूला 4x + 1 = 0. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हियर वी जस्ट यूज अ सिंपल फॉर्मूला दैट इज x² - sum of zeros x + product of zeros = 2. सो अगर आपको मेरी ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर.